ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी खिलाड़ियों को दिल्ली तलब कर लिया और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसकर खुद कही है। जी हाँ, विस्तार से बताएंगे आपको खबर क्या कुछ है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 11 खिलाड़ी, साथ ही सपोर्ट स्टाफ और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं सबको दिल्ली क्यों बुलाया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। हुआ यूं कि भारतीय टीम को हार मिली, भारतीय टीम को हार मिली तो 140 करोड़ लोगों का दिल टूट गया और सभी रोने लगे क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद ये दिन आया था कि भारत के खाते में ट्रॉफी आए और 2003 का बदला भी लेना था कंगारुओं से, लेकिन हो नहीं पाया रोहित शर्मा की टीम से। हालांकि टीम के साथ देश का हर एक नागरिक खड़ा हुआ है क्योंकि टीम ने जिस तरीके से 10 मैचों में प्रदर्शन किया उसे सल्यूट बनता है। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ रही। विराट कोहली ने जिस तरीके से टीम को जिताया, शतक लगाए, वो दमदार रहा। रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन याद किया जाता रहेगा। कुलदीप यादव का कमबैक इससे बेहतरीन हो नहीं सकता था। मोहम्मद सिराज ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने तो वो किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बुमराह शानदार दिखे। श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। केएल राहुल ने बतौर बल्लेबाज के साथ साथ एक विकेट कीपर के तौर पर भी नाम कमाया, लेकिन अंत में कंगारुओं के खिलाफ भारत को हार मिली क्योंकि हम सिर्फ 240 रन फाइनल में बना पाए थे। कंगारुओं के लिए ये बड़ा स्कोर नहीं था और 4 विकेट गवाकर कंगारुओं ने जीत दर्ज कर ली। अब जब ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली तो स्टेडियम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम दिग्गज जिसमें शाहरुख खान, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण सब मौजूद थे, सबका दिल टूटा। भारत के आम फैंस का भी दिल टूटा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम जाते हैं, ड्रेसिंग रूम से में खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और इसी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को दिल्ली तलब कर लेते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने प्रदर्शन अच्छा किया है, रोने की जरूरत नहीं है, भावुक होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने 10 जीत दर्ज की है, ये दमदार प्रदर्शन था। मैं चाहूंगा कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग दिल्ली आएं और दिल्ली में मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, चाय पीना चाहता हूं, आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए यह बताने की कोशिश की कि खिलाड़ियों ने भले फाइनल मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन उनके लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश का सम्मान कम नहीं हुआ है। हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से खेले वो दमदार था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को दिल्ली तलब किया है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण देते हुए क्या कुछ कहा है। होता रहता है ऐसा, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ, मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को निमंत्रण दिया, बाकायदा दिल्ली बुलाया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसा करते रहते हैं। ओलंपिक जीतकर जब खिलाड़ी देश आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें PMO बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के जरिए उसे बधाई भी देते हैं। इस वर्ल्ड कप के दौरान भी हर एक मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी और टीम इंडिया ने बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला वो देखने भी पहुंचे जहां पर भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लेकिन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से खेल दिखाया था इस विश्व कप में उसकी तारीफ बनती है, इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को दिल्ली बुलाया है निमंत्रण पर। बहरहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया है, PMO बुलाया है और कहा है कि आइए साथ में खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए।